दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करै छी। नया वर्ष के पहिल दिन है, आइ 2076 साल के आगमन भ गेल छै, उसका दिन से शुरुआत भेल छै। नया वर्ष के 2076 के विक्रम संवत 2076 के अपने सबके हार्दिक मंगलमय शुभकामना सेहो व्यक्त करै छी। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में विशेष व्यक्तित्वक संग में हुनका से संबंधित प्रसंग पर बातचीत होइत रहैय। आजुक दिन बातचीत करब, युवा सब विभिन्न तौर से संगठन भ रहल छै, संगठित भ रहल छै। वैश्य समुदाय जाहिमे 30 विभिन्न जाति सब समावेश छै से दावी कयल जा रहल छै। वैश्य समुदाय के युवा संगठन कही, युवा दस्ता कही, नेपाल वैश्य युवा संघ छै, क्रियाशील छै, अपने सब विभिन्न गतिविधि सब सामाजिक सञ्जाल पर विभिन्न समाचार माध्यम सब से सुनैत आबि रहल छी। किछुए दिन पूर्व परसा के बीरगंज में एकटा सम्मेलन भेल रहै। वास्तव में युवा सब संगठित भेनाइ एकदम सकारात्मक छै, मुदा जातीय रूप से युवा सब संगठित भेनाइ की छै त की छै नेपाल वैश्य युवा संघ के आगामी योजना सब, संगठन के उद्देश्य सब, यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सबक अतिथि छथि नेपाल वैश्य युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप चंद साहू। अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। शुरुआत करै छी अपने सबके बीरगंज में एकटा भव्य आयोजन के लिए, अपने सब की रहे आयोजन? हाँ, प्रमुख तो बीरगंज के नेपाल वैश्य युवा संघ द्वारा आयोजित वैश्य समाज के राष्ट्र सम्मेलन, जे में अपने के 30 जाति के केंद्र अध्यक्ष पदाधिकारी, समाज में रहल विभिन्न पक्ष के लोग, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सबके बजा के सम्मेलन आयोजन करल गेलै, जे में लगभग अपने के 25 से देश भर के महत्वपूर्ण व्यक्ति सब उपस्थित छले। हर एक पक्ष के लोग, वैश्य समाज भीतर के जातीय संगठन के अध्यक्ष सब, पूर्व सांसद सब, पूर्व मंत्री सब, अपने के प्रदेश सभा सदस्य सब, संघीय सांसद सब, वर्तमान मंत्री सब, जातीय संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सब, अपने के 32 जिला से उपस्थित छले कार्यक्रम में, और महत्वपूर्ण एजेंडा सब पारित करते हुए 2 के सम्मेलन सफल होले। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रमुखता वैश्य क्लस्टर में केंद्रित रहले। वैश्य क्लस्टर अपने के एक पहचान, राष्ट्रीय पहचान कायम करी, वैश्य समाज के राष्ट्रीय पहचान मिले, स्वाभिमान मिले और सम्मान अभिवृद्धि हुए, ओहि पर भी केंद्रित छले। तो वैश्य क्लस्टर कहे के अर्थ हम कहल चाहे छी, देश में पहचान के लेल विभिन्न आंदोलन भेले, विभिन्न कालखंड में विभिन्न आंदोलन भेले। अपने के 2046 के जन आंदोलन भेले प्रजातंत्र के लिए, ओहमे भी पहचानिक आंदोलन छले। तकर बाद अपने के माओवादी के 12 जन युद्ध भेले, ओ पहचान के लड़ाई रहे। माओवादी के आंदोलन जहन एक जातीय संगठन सबके पहचान के लेल केंद्रित छले। तकर बाद 62-63 के जन आंदोलन भेले, 63-64 के मधेश आंदोलन भेले। तकर बाद विभिन्न कालखंड में अपने के थारवट आंदोलन भेले, जनजाति आंदोलन भेले, खसारक आंदोलन भेले, अभी तक आंदोलन जारी छै। ई आंदोलन सब समग्र में पहचान के लागी केंद्रित छै अपने के। जे अवस्था में मधेशी समुदाय अपने के अंतर्राष्ट्रीय जगत में न जाने छले, नेपाल में मधेशी छै, लेकिन मधेश आंदोलन प्रमुखता 62-63 से बाद में अभी दुनिया भर में लोग बुझे है कि मधेशी नेपाल में एक भाग यहाँ के मधेशी समुदाय छै। और उ मधेशी समुदाय में भी वैश्य समुदाय, जे समुदाय अपने के राष्ट्र के अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा छै, उ समुदाय राष्ट्र के जे छै हरेक राजस्व से लेके रोजगार से लेके समग्र में समाज के पालक के रूप में छै, लेकिन उ समाज के पहचान नहीं छै। उ समाज के पहचान अपने के आज जे छै एकटा सीमित शब्द में कर देने है। इस समाज के पहचान व्यापार बिजनेस से मात्र जुड़ल छै, ओ हिसाब से राज्य और राजनीतिक दल तत्पर छै। इस चीज़ के हमरा के जे छै मिटाबे के लेल, और इस समाज हरेक तबका में समानुपातिक समावेशी हुए पड़े, इस समाज के मान सम्मान बराबर के साथ हुए पड़े, जनसंख्या का आधार मिले हरेक तबका में समावेशी, ओहि के लेल हमरा के वैश्य क्लस्टर स्थापना होना ही छै। विगत भविष्य में हमरा के अगर वैश्य आयोग राज्य से मांग करे ला जा रहल छी, एकर लेल समग्र 30 वैश्य समाज भीतर में रहल उपजाति सब के हमरा के ध्यान आकर्षण करा के एक अपन मजबूत क्लस्टर हुए, 30 रहल वैश्य समाज मेची से महाकाली एक सूत्र में बांधे के लेल भी ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करल गेल छले। मतलब पहचान के लेल अपने सब अतिक गतिविधि कर रहल छी। जी जी,
पहचान के लिए हम सबके रहें। एकटा जाति में विभिन्न गुट होइ छै, जेना सूरी होइ छै तऽ ब्याहुत सूरी, कोन सूरी, तेलियो में कोन तेली होइ छै। एकटा जाति में विभिन्न खेमा सब होइ छै, तऽ 30 टा जाति के एक ठिमन लाइब वैसे एकटा जे कहलियै अपने सब क्लस्टर बनि रहल छै, ओकरा संगठित करब, ओकरा अगाड़ी बढ़ाएब बड़का चुनौतीपूर्ण नहि बुझाइए? जहाँ चुनौती सब जाति में सब पार्टी के नेता होइ छै, गुटबंदी सब जाति में छै, केओ कांग्रेस छै, केओ एमाले छै, माओवादी छै, मधेसी दल छै, एना कऽ विभिन्न तरह के विभिन्न तबका छै, खंड खंड छै वा कहीं गुट उपगुट छै, एकरा संगठित करबै, अपने कहलियै वैश्य आयोग सेहो हमसब मांग करबै, ई तऽ जाबत ई तऽ बड़का चुनौती छै नेता। जहाँ चुनौती छै पूरण जी, अफसरो भी वहीं पर रहै छै। आइ मानै छी वैश्य समाज विभिन्न उपजाति छै, उपजाति भीतर में भी विभिन्न अपने के लिए शुद्ध समाज में ब्याहुत सगाहुत ई सब छै, लेकिन समग्र में वैश्य छी तब यहाँ के सगाहुत ब्याहुत सूरी तेली छी, ते खातिर अपने जानत हुए क्षेत्रीय समुदाय जगह नेपाल के नेपाल में जनसंख्या अपने के 43 लाख 44 लाख हरारी में छे, क्षेत्रीय समुदाय में भी अपने जानत हुए विभिन्न उपजाति सब छे, यहाँ के विभिन्न ना पहचान युक्त यहाँ के उपजाति सब छे, लेकिन समग्र में राज्य क्षेत्रीय बुझे है जगह जनसंख्या नेपाल में 43 लाख छे, 32,26,903 नेपाल में जे मैथिली ब्राह्मण छोड़ के पहाड़ी ब्राह्मण हिल साइड के ब्राह्मण के जनसंख्या छै, सबको बुझै छी नेपाल में ब्राह्मण सब एकमुष्ट छै और ब्राह्मण समुदाय में भी विभिन्न उपजाति सब छै। तेनाही अपने के थारू समुदाय मेची से महाकाली तक थारू समुदाय के जनसंख्या 17,17,5 लाख के हरारी में छै, थारू समुदाय में विभिन्न उपजाति सब छै लेकिन ओकर पहचान अपने के समग्र में थारू से मिलल छै। तेनाही अपने के मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय में विभिन्न उपजाति सब छै, अपने के हम कहब तऽ नामे कहल चाहे छी अपने के ओय में 32 टा 33 टा यहाँ के मुस्लिम सब के टाइटल छै, लेकिन समग्र में राज्य ओकर कथी पहचान देने है मुस्लिम समुदाय, ओकर पहचान मिलल है मुस्लिम समुदाय, नहि बुझे है कि अंसारी, मंसूरी, खातून, साफी कहकर ओकर जे टाइटल नहीं मिले है। तेनाही अपने के जैसे नेवार समुदाय में अपने के दर्जनों के उप टाइटल छै ओकर उपजाति सब छै, लेकिन समग्र में नेवार कहकर राज्य बुझे छै। तेनाही मधेश के महत्वपूर्ण क्लस्टर एक यादव क्लस्टर छै, यादव क्लस्टर में भी अपने के जे छै विभिन्न उपजाति सब छै, तऽ समग्र में राज्य बुझे है यादव सब मदरेट घोसिन लगा तऽ अपने के अरगरिया बरबरिया तऽ नहि बुझै छै, से हिसाब से वैश्य समाज में भी हमरा के मानै छी कानू, कलवार, तेली, सूरी, रोनियार, अग्रहरी, कसोधन, फिर अपने के 32 टा जात छै। आ तऽ मारवाड़ी सेहो चलै, मारवाड़ी से भी वैश्य समाज छियै, तऽ 30 टा जाति भीतर में हमरा के जे छै मारवाड़ी पड़ै छै, तऽ वैश्य समाज में यहाँ के जते उपजाति पड़े छै ठीक छै, उपजाति छी ओकर संगठन ओकर विभिन्न उपजाति समग्र में वैश्य छी, तऽ राज्य के काम करै छी, बिजनेस व्यापार करै छी, एकर पहचान भी यहाँ के आबे पड़तै, पहचान भी अगर मिले पड़तै, ई चीज के लेल हमरा सबके जोरदार मांग छै राज्य से, राज्य के ध्यान आकर्षण दबाव दे लागि हमरा सबके, मतलब 30 टा जाति के संगठित करे के छै, 21 टा क्लस्टर बना कऽ, वैश्य क्लस्टर बना कऽ पहचान स्थापित करे के लेल, जेना मधेसी आयोग बनलै, थारू आयोग बनलै, मुस्लिम आयोग बनलै, तेनाहिते अपने सब मांग करबै जे वैश्य आयोग होबक चाही, वैश्य एक एक खातिर चाही, कोनो भी चीज के पहचान चाही, आइ हरेक समाज हरेक जाति उपजाति अपने के पहचान छै, हम कहै चाहै छी आइ समाज के वैश्य समाज के पहचान नहि छै तऽ ई एकटा विशाल यहाँ के समुदाय छियै, समाज छियै जाहिमे अपने के अभी तक 30 टा जाति छै, 30 टा जाति में राज्य देखू 2068 की जनगणना में 9 टा जाति के मात्र यहाँ के तथ्यांक योजना आयोग में एकर जे छै डाटा देलकै यऽ, और 21 टा जाति के एकर जे छै डाटा राज्य नहि छै, राज्य में वैश्य समाज भीतर 30 टा जाति में 9 टा जाति मात्र उपस्थिति छै, बाकी 21 टा जाति अपने के जे छै लोपोन्मुख और जे छै राज्य विहीन भऽ गेल छै, एकर जवाब के देते अपने के, जब वैश्य आयोग बनतै, वैश्य क्लस्टर के पहचान मिलतै, सम्मान मिलतै, स्वाभिमान मिलतै, ओ अवस्था में राज्य कहते वैश्य समुदाय में भी टुकड़ा टुकड़ा जे उपजाति सब छै ओकरो पहचान ओ हिसाब से समानुपातिक समावेशी रूप में मिलना चाहिए। आइ वैश्य समाज में रोनियार समुदाय देखू जे महत्वपूर्ण मेची से लगे महाकाली तक छै, आ 123 टा जाति में ओकर संख्या उपस्थित नहीं कराने छै, ओकर दर्ज नहीं कराने छै यहाँ के, जे लाखों के संख्या में हमरा के दावा छै, अग्रहरी समुदाय देखू, कसोधन देखू, यहाँ के कमलापुरी देखू,
एना कर के अपने के गौड़ समाज देखू, तुरहा समाज देखू, कान्य कुंज देखू, ये समाज यहाँ के हजारों के संख्या में, लेकिन एक राज्य 127 जाति में सूचीकृत नहीं करने, जातीय सूचीकृत नहीं, जाते में सूचीकृत नहीं है। जी जी, तो अपने सब फिर एक आयोग बनेबी, एक केना करें, पहले तो जातीय सूची में सूचीकृत कराब के लिए अगड़ी बढ़ पड़े न। जी जी, हमारे अखन तक में नेपाल में 30 जाति है, तो हम कहे 30 जाति के तू सूचीकृत कर, लेकिन लास्ट हमारे 22 समाज, 22 क्लस्टर के रूप में देखावे पड़ते, सब तू जनगणना कर, राज्य के जनगणना करे पड़ते, और लास्ट में 22 एत भी टाइटल के जाति सब 22 समाज में पड़े, 22 समाज में देखावे पड़ते, कह के राज्य के ध्यान आकर्षण कराबे चाहे। हम कहे रही अपने के 273 जनसंख्या, 273 जनसंख्या कुसुंडा जाति, जो नेपाल के बहुत कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या 273 जाति कुसुंडा जाति, 618 जनसंख्या यहाँ के राउटे समुदाय, और जनसंख्या यहाँ के नेपाल सरकार के तथ्यांग में भेटत अपने के 123 जाति में है, लेकिन लाखों लाख जनसंख्या वे समुदाय के उपजाति सबके यहाँ के संख्या नहीं मिलत। तो राज्य यहाँ के पूर्वाग्रही तरीका से, विभेद सही तरीका से राज्य हमारे के समुदाय पर खिलवाड़ कर, पहचान मिटाबे प्रयास कर, ये चीज के हमारे अब कदापि स्वीकार नहीं हेतु, और राज्य के सही समय में 2078 के जनगणना के बाद, सॉरी 68 के बाद 78 में होते, वैसे पहले हमारे तैयारी स्वरूप अभी कार्यक्रम सब भर रहा है राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए। तो पहले अपने सबके पहल करे पड़े नहीं, जो अपने सब कहे वैश्य समुदाय में 30 जाति है, जातीय मान्यता प्राप्त हो पड़े नेपाल के, हम एक जाति सूचीकृत कराबे पड़े, पहले मांगे वाला लोग तो मांग रहा है ना, यहाँ के सब जाति सब मांग रहा है, लेकिन दे वाला काम राज्य से करे पड़ते ना, और ये राज्य में यहाँ के जबरदस्ती मांगे से कुछ चीज नहीं मिल रहा है। अपने के हम स्मरण करावे चाहे छी, जे भी अधिकार विहीन समुदाय समाज जाति यहाँ के अपन राज्य के जब तक यहाँ के प्रेशर दबाव नहीं दिल्क, आंदोलन कर अपन ताकत सुन कर लगे, तब तक राज्य यहाँ के कोई चीज नहीं दिल्क, ते खातिर ई समुदाय भी अपन अधिकार पहचान के लिए कोनो किस्म के अब संघर्ष और मेहनत करे ला तैयार छे यहाँ के। आप अपने सबके युवा संगठन अगाड़ी बढ़ रहा है, नेपाल विश्व युवा संघ संगठित भ रहा है, हम जना बुझे में आयल अपने सब स्थानीय तह सब में जाकर आब नगर कमिटी, गाँव कमिटी सब गठन करे, गाँव पालिका, पालिका तह में। जी जी, युवा के संगठन के लिए आवश्यक पड़े। देखो, युवा परिवर्तन के वाहक है, युवा में नया खून हो, युवा में नया सोच है, नया क्रांति के विचार है ओकरा में, और एकीकृत है ओकरा में संभावना ज्यादा रहे छे, काम करे के जोश रहे छे, जागर रहे छे, और हर एक परिवर्तन के समय में युवा ही आगे बढ़ल है, तब यहाँ के विश्व में परिवर्तन सब देखा पड़े, वही खातिर ही वही समाज में हमरा सब युवा सब में बेसी जोड़ दिलिए, और अभी तक अपने के 6000 युवा नेपाल विश्व युवा संघ में आबद भेलै, साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य और अन्य सदस्य करके 6000 युवा, अब हर एक जिला में अपने के 100-150-200 युवा सब मिलत यहाँ के। हमरा के टारगेट है 5 वर्ष में 25000 युवा के संगठित करके 5 वर्ष के भीतर में अपन पहचान के लिए राज्य के हर एक किस्म के दबाव राज्य माथी संघर्ष करके हमारे तैयार छी, तो एक खातिर युवा सबके संगठित करे छी निश्चित रूप में, और युवा सबके संगठित करे के क्रम में हमरा केंद्र से लेके अभी वाड़ा तह तक जा रहा छी। अभी अपने के लगभग 60 नगर पालिका में देश भर में गठन भ गेल है यहाँ के, अभी प्रदेश कमिटी सब बन रहा है, जिला कमिटी सब स्ट्रांग बढ़ रहे, क्षेत्र कमिटी सब बन रहे, नगर कमिटी सब बन रहे, और ई संगठन के हमरा के प्रयास जारी रहते जब तक हमरा के पहचान नहीं मिलते, और अभी तक अपने के वैश्य युवा सब खाली राष्ट्र के अर्थतंत्र में चंदादाता, वोटदाता, राजस्वदाता के मात्र रूप में पहचान करने छे, इस चीज के भी हमारे पहचान करे के छे, इस समाज के जब जब युवा आगाड़ी बढ़ते तब तब इस देश में समृद्धि अतः, तब तब कथिल तय बिजनेस व्यापार से जुड़ल समाज के युवा सब एक व्यवस्थापक के गुण है, यहाँ के हर एक चीज़ के अच्छा से व्यवस्थापन कर सकते हैं, राज्य बुझे यहाँ के, राजनीतिक दल बुझे यहाँ के, समुदाय कुछ बुझे यहाँ के, ये खाली नून तेल बेचे वाला जात है। हम कहे चाहे नूने तेल बेचने के क्रम में या बिजनेस व्यापार क्रम में हर एक गुण के डेवलप भ रहा है यहाँ का, यदि राज्य के व्यवस्थापन करते तो और समुदाय से भी वैश्य समाज के
युवा सब वैश्य समाज के अग्रसर बौद्धिक व्यक्तित्व सब यहाँ के देश के अच्छा मैनेजमेंट कर सकते तै खातिर एक अवसर मिलने भी स्वाभाविक है। तै खातिर ये युवा के माध्यम से नेपाल वैश्य युवा संघ के माध्यम से हम कहले चाहे देश के हरेक तबका में ये 10% हमारा सब वैश्य समाज 10% हरेक तबका में दियो राज्य देखू यहाँ के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभी जे देश के सरकार के एक योजना है वो में यहाँ के हमारा के सहकार्य कर चाहे बसत हमारा के अवसर मिलना चाहिए ठाव मिलना चाहिए इस समाज के युवा सब अतिक सक्षम है। राष्ट्रीय सम्मेलन सकी की एजेंडा सब पारित भले हमारा के 5 बजे महत्वपूर्ण योजना सब पारित कर ली है जैमे प्रमुख योजना अपने के वैश्य क्लस्टर स्थापना के लिए आब 30 लाख वैश्य समुदाय के माध्यम से हमारा सब जा रहा है ग्रामीण स्तर तक हरेक वैश्य समुदाय के अपन नाम और थर के पछाड़ी वैश्य लिखाब ओकर लागि राज्य के हमारे ध्यान आकर्षण कराब ओकर लागि विभिन्न फॉर्मेट सब हम फार्म सब जे एतै ओमे वैश्य के जे छै एकटा क्लस्टर के लेल जेना ब्राह्मण के आबै छै क्षत्रिय के आबै छै यादव के आबै छै मुस्लिम के आबै छै नेवार के आबै छै ओहि हिसाब से वैश्यो के लेल जे छै एकटा कोठा हवा के चाही जे लोग सपोज दिलीपचंद साहू हम लास्ट में हम छी वैश्य तो वैश्य में टिक लगा पड़तै रामचंद्र सूरी छी तो रामचंद्र सूरी कोष्ट में वैश्य अपने के रंजीत चौधरी छी रंजीत कुमार चौधरी कोष्ट में वैश्य ई अभियान हमरा सब संचालन करबे और 30 लाख वैश्य समाज तक हमरा के ई 2 वर्ष में पहुँचे के छे और सबके एक सूत्र में बांधे प्रयास छे ई प्रमुख वैश्य क्लस्टर के स्थापना के लेल हमरा के राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रित छले तकर बाद दोसरो एजेंडा अपने के जे छे एक सामाजिक विकृति विसंगति सब ई जे छे वैश्य समाज में दहेज प्रथा एक विकराल रूप लेने है यहाँ के दहेज का कारण से जे छे हमर समाज के छोरी चेली सब बेटी सब जे छे यहाँ के आत्महत्या के प्रयास कर रहल है आत्महत्या कर रहल है यहाँ के और महिला के शिक्षा के संदर्भ में बेटा बेटी बराबर छी बेटियों के जे छे बेटा बराबर शिक्षा हासिल करावे में अपने सब जोड़ दियो और बेटियों के पढ़ाबू जब 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 शिक्षा का आगाड़ी बढ़ते यहाँ के समाज में दहेज का उन्मूलन हेतु न्यूनीकरण हेतु यह चीज हमारे केंद्रित रहा है। तकर बाद सामाजिक विकृति विसंगति सब जैसे महिला हिंसा सब जैसे बलात्कार घटना सब घट रहा है यहाँ के तो इस वर्ग के युवा सब जैसे पहलकदमी लिए पड़ते सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कर यहाँ के जिम्मेवारी लिए पड़ते राष्ट्र निर्माण में यहाँ के जोड़ दिए पड़ते और समग्र में युवा सब में जैसे नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास में जो आवे पड़ते अगाड़ी खाली आप पैसे कमा के सीमित रह के जो नहीं है तो ये दोसरो भेल तेसरो में हमरा के जैसे एक छाता संगठन के रूप में ओहिठाम वीरगंज में अपने के 23 जाति के केंद्र अध्यक्ष सब केंद्र पदाधिकारी सबके सम्मेलन छले उपस्थिति छले और सब सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के स्थापना करे के जैसे हमरे संयोजक में पहल करे के लिए एक संयोजन समिति बनल है और बहुत जल्दी यहाँ के जैसे राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के स्थापना होते और ये नेपाल वैश्य युवा संघ उ राष्ट्रीय वैश्य युवा महासंघ के माथत में रह के विभिन्न जैसे वर्ग महिला के संगठन कर्मचारी के संगठन भूतपूर्व सैनिक संगठन ए हिसाब से हमरा के विभिन्न वर्ग संगठन बना के एक अपन विंग सब तैयार करबे और राष्ट्रीय वैश्य युवा महासंघ कर राष्ट्रीय वैश्य महासंघ गठन करे के भी निर्णय वैश्य महासंघ के चर्चा के लिए नेपाल वैश्य कल्याण महासंघ ऑलरेडी छ एकटा संस्था ओ एक्टिव छ काज कर रहल छ ई फेर कि नया विघटन भ गेल अपन नेपाल वैश्य कल्याण महासंघ संगठन भन्ने आब यहाँ के नेपाल सरकार के डाटा में नहीं रहल अपने के 77 जिला में जेबे तो उस संगठन के अस्तित्व नहीं मिलत एक खातिर एकर पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता जी 2070 साल में जैसे भैरवा के महाधिवेशन से अध्यक्ष में निर्वाचित भेल ओकर प्रश्न विधान में है 3 महीना 3 वर्ष का कार्यकाल है कार्यकाल आगावे अपने के जैसे एक निर्वाचन समिति निर्वाचन अधिवेशन करे के लिए महाधिवेशन करे के लिए यहाँ के निर्वाचन समिति गठन करे पड़ते और ओकर मैंडेट अपने के जैसे 35 दिन के भीतर में वो निर्वाचन समिति ओकर महाधिवेशन कराते यदि निर्वाचन समिति ओकर निर्वाचन समिति निर्वाचन नहीं करा सकल के ओकर जो सलाहकार समिति है यहाँ का ओकर में संपूर्ण अधिकार यहाँ के चल जेते यहाँ के यदि सलाहकार समिति निर्वाचन नहीं करा सकल के ऑटोमेटिक संगठन डिजल भ जेते हमरा सब जाने यहाँ के वैश्य समाज के नेपाल वैश्य कल्याण महासंघ के जे छे कतो महाधिवेशन 5 वर्ष के भीतर में नहीं भेल है 2070 से 2076 भ गेलै 6 वर्ष यहाँ के भ गेलै 6 वर्ष में ओकर महाधिवेशन नहीं भेल है ते खातिर उस संगठन अभी का अवस्था में डिजल भ गेलै अस्तित्व में नहीं है ते खातिर हमरा सबके अभिभावक संगठन के रूप में एक अलग अलग अभिभावक संगठन नेपाल राष्ट्रीय वैश्य महासंघ
राष्ट्रीय वैश्य महासंघ, नेपाल वैश्य कल्याण महासंघ जे नाम से दर्ता हुए, आब हमारे सब जातीय संगठन के पदाधिकारी से बैठ के जैसे बहुत जल्दी एक एक खसरा तैयार करके विधान तैयार करके आगे बढ़ा रहा है। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकवृंद, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में एखन के लिए छोट व्यावसायिक विश्राम के समय भगल तक बाद फिर से उपस्थित है। दर्शकवृंद, पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। आज हमारा सबक अतिथि छे नेपाल वैश्य युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप चंद साहू, हिंका संगे बातचीत भरल जे 30 जाति वैश्य समुदाय में पड़े है। उ 30 जाति के युवा सबके संगठित करके काज सब कर रहा है। संगठन कैला संगठित होब के उद्देश्य की यावत विषय में बातचीत भरल। दिलीप जी, फिर से अपने के स्वागत करे बातचीत के क्रम अगड़ी बढ़ाए। अपने सबके जे राष्ट्रीय सम्मेलन रहे पर्सा के वीरगंज में, देखियो युवा सबके संगठित अपने सब कर रहा, लेकिन युवा सबके संगठन जना युवा क्लब सब नेपाल के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक गाँव में प्रत्येक नगर में दर्जनों दर्जन युवा क्लब सब है, लेकिन औचित्य नहीं आबि रहा है जो क्रिया है युवा क्लब सब। कोनो पार्टी फंक्शन कैलक, लेकिन सामाजिक गतिविधि जो होबक चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ जो विकास के काज सब होबक चाहिए, सुधार के काज सब होबक चाहिए, से नहीं भ रहा है। अपने सब पर से एक बात उठ सकिए जो युवा के संगठन कैला तो भावनात्मक एकता हो पड़े नहीं तो 30 जाति के बीच में अखिन तो ब्याहुत सूरी सगाहुत सूरी बीच के विवाह शादी नहीं होबो सक रहा है। भावनात्मक एकता नहीं है, अपन बेटा बेटी के विवाह नहीं करे चाह रहा है। फलना सूरी है, चिलना सूरी है, फलना तेली है, फलना तेली है, हम सब नहीं करब, तेहन स्थिति है। जाबे भावनात्मक एकता नहीं बढ़ते ताबे तो संगठित नहीं होबो सकते। एक दोसर के बेटी चाटी लाब के विवाह शादी करे के तो होबो पड़े नहीं तो 30 जात के बीच में आयोग के मांग बढ़ाई नहीं करबे। निश्चित रूप में हमारे के राष्ट्रीय सम्मेलन से अंतरजातीय विवाह शादी के लिए बिहेबारी के लिए 30 जाति में हुए पड़ते कि ओकर लेल विभिन्न प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम भी हमारे के अभियान चलावल जा रहा है। अपने सब जानते हुए पहाड़ी समुदाय में पौड़ेल के शादी पौड़ेल में नहीं हुई, कोरेला के शादी कोरेला में नहीं हुई, कार्की के शादी कार्की में नहीं हुई। एक खातिर उ सब अपने के जैसे एक परिवार के सदस्य ठहरे और वैज्ञानिक कारण से भी जैसे अभी जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे जो एजेंडा पारित कर लिया अंतर्जातीय विवाह शादी, वो वैज्ञानिक कारण से भी हमारे जैसे कारण भी है कि अंतर्जातीय विवाह शादी करे पड़ते। जना अपने के वैज्ञानिक कारण में कथी है, वैश्य भीतर में तेली के शादी तेलिए से करे पड़ते, ओकर जे जीन जे होइ छ अपने के ओ पुरखौली जीन जे छ अपने के सेटते सेटते आबै छ यहाँ के। यदि विगत में एके जात के भीतर में यदि 3-4 जेनरेशन अगाड़ी कोनो डिजीज कोनो रोग लागल छले, यदि उ समुदाय में उ व्यक्ति में यदि वहा समुदाय में अखन के अवस्था में फिर हम शादी करे छी तो कतन कतो उ जैसे रोग के कुछ तत्व सब जैसे अभी तक भी जीवित रहे छे, अखन के जनरेशन में याल रहे छे। यदि हमारे ठीक एकर जैसे वहा व्यक्ति से सूरी समाज में करे छे तो उ जीन जैसे यहाँ के नहीं भेटते, वैसे कथी होते यहाँ के जैसे रोग सब कमी होते और बच्चा के जैसे वैसे बच्चा जो प्रोडक्शन होते यहाँ के बच्चा जो जन्मते वो अंतर्जातीय विवाह शादी के बाद ओकर जैसे दिमाग यहाँ के टैलेंट होइ छे। तै खातिर पहाड़ी समुदाय कोनो जैसे यहाँ के बेकूफ समुदाय नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छा सम्पन्न समुदाय चाहिए और बुझे वाला समुदाय। तै खातिर जैसे वो सब अंतर्जातीय विवाह शादी करे छे, ब्राह्मणे भीतर में करे पड़ते लेकिन अपने के जैसे पोडल के भीतर में पोडल नहीं करते वो सब। तै खातिर यदि हमरा सब एक गोत्र के छी, कश्यप गोत्र के छी, हमरा के जैसे सूरी के शादी रोनियार में, रोनियन के शादी कलवार में, कलवार के तेली में कथिल न होते, मारवाड़ी में कथिल न होते। यदि हमरा सब एक समाज के लोग छी, एक वर्ण के लोग छी, तो एमे जे छै संभावना छै। रहले रूढ़िवादी परम्परा कुछ कंजर्वेटिव माइंड के लोग सब छै, शिक्षा के संगे जे छै ई चीज हमरा के बढ़ावे पड़ते। नया जनरेशन सबके रहले यहाँ के वीरगंज में हमरा के मिलल ओहिठाम दर्जनों के संख्या में जे मारवाड़ी के शादी कलवार में भले, कलवार शादी तिलनी भले, तिलनी शादी रोनियार में भले। यहाँ के जनकपुरे में अभी जैसे हमारे मित्र नेपाल वैश्य युवा संघ के उपत्यका के सहसचिव आदरणीय श्याम सुंदर चौधरी जी अपने के जैसे कलवार भके एठाम
तेलुगु शादी करलक यहाँ के एहन संख्या अपने के जैसे दर्जनों के संख्या मिलत तो आब जैसे अपने के वैश्य समाज के भीतर में एक अंतर्जातीय विवाह शादी के भी परंपरा आगे बढ़ रहा है और औपचारिक निर्णय के लिए औपचारिक निर्णय कर ले अभियान के रूप में हम लोग पूरा देश भर। और दोसर कारण अपने के देखे विभिन्न समुदाय वैश्य समाज के उपजाति भीतर में रोनियार समुदाय में देखू यदि रोनियार के बेटी के शादी रोनियारे में करे पड़ते आई देखू उम्र के कारण से आई जैसे 35 वर्ष 40 वर्ष 45 वर्ष तक लड़का लड़की कुमारा है अभी तक कुमारी से यदि वैश्य समाज में यदि रोनियार के शादी अपने के जैसे परंपरागत में यदि आगे तीव्र गति मिलती है प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम सब आगे बढ़ाती है एक जैसे तीव्रता देती है यदि रोनियार के वह लड़की के शादी यदि कल तेली में करे पड़ती है तो ओते समय वेट नहीं करे पड़ती है यहाँ का आई कुमारा नहीं बैठे पड़ती है यहाँ का और गार्जियन सब परेशान नहीं हुए पड़ते तो ते खातिर जैसे आज के दिन में जैसे अंतर्जातीय विवाह शादी यहाँ के वैश्य भीतर में एकदम आवश्यक चीज है। दोसर निर्णय हमरा सब कर ली महत्वपूर्ण निर्णय जे विपन्न वर्ग समाज के जैसे आर्थिक अवस्था से जर्जर रहल वर्ग के तक हमरा के हिसाब से कर लिया एक वैश्य कल्याणकारिणी अच्छा कोष निर्माण करी तो अच्छा कोष वास्तव में हमरा के संगठन निर्माण करे के लेल अभियान सब संचालन करे के लेल और समाज में रहल विभिन्न वर्ग के वैश्य समाज भीतर में जे आर्थिक अवस्था से जर्जर छे जेकर बच्चा सब जे जेहनदार छे यहाँ के जे पढ़े ले चाहे छे उसे शिक्षा हासिल करे ले चाहे छे आए ओकर परिवार यदि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं छे ओ जिम्मा आप जैसे नेपाल वैश्य युवा संघ लेते अगर उच्च शिक्षा पढ़ावे के लेल ई समाज के लोग लेते वैश्य समाज में यहाँ के एक पर एक धनाढ्य व्यक्ति सब छे एक पर एक संपन्न समाज छे और गरीब संख्या यहाँ के कुछ परसेंट मात्र छे यहाँ के हम कब एवरेज में अपने के 80% ई समाज के लोग यहाँ के आर्थिक अवस्था से संपन्न समाज छे और 20% समाज के लोग यहाँ के आर्थिक अवस्था से कमजोर छे जे दिन में कमाते रात में खेते वो अवस्था में छे तो उ समाज लेवल के लोग के लेल जे छे उ क्षेत्र के लोग के लेल जे छे ई नेपाल वैश्य कल्याण कोष अच्छा कोष मार्फत जे छे ओकरा बच्चा के पढ़ावे के लेल छात्रवृत्ति दे के एकदम विपन्न छे गरीब छे विपन्न छे गरीब छे और एक एमें जे छे करोड़ों अरबों के हमर के जे छे एक बजट बना के हर एक व्यक्ति के पास हमर के जा रहल छे तत्काल जे छे हमरा के ई 2076 साल में जे छे 5000 व्यक्ति के जे वर्ष में यहाँ के जे छे 50,000 25,000 1,00,000 विभिन्न किस्म के जे डोनेशन देते यहाँ के अच्छा कोष में ओकरा विभिन्न किस्म के हमरा सम्मान पूर्वक विभिन्न किस्म के लोगो सब क्रिएट करके अगाड़ी ओकरा जे छे ई समाज में डोनेशन करे के लेल हमरा के एक अभियान चला रहल छी और ई अच्छा कोष के जे छे हमरा के अच्छा कोष के नेतृत्व और संयोजन हमरा के नेपाल वैश्य युवा कल्याण के नेपाल वैश्य युवा संघ के संरक्षक आदरणीय श्री बलराम महतो जी सलाहकार पूर्व सांसद विमल केडिया जी लगात विभिन्न व्यक्तित्व से इसमें जुड़ रहा है और इस चीज़ के जैसे हमारे आगाड़ी बढ़ा रहा है तो ये अभी जैसे ये कोष निर्माण होते हम कहले चाहे छी कुछ विगत के घटना एक सप्तरी के समाज वैश्य समाज के लोग आगलगी केस में अपने के जैसे काठमांडू गए हम काठमांडू में रह रहा अभी तो काठमांडू में गले ओकरा जैसे बर्निंग केस छे आगलगी केस छे यहाँ के 15 दिन यहाँ के हॉस्पिटल में इलाज कर लगे लास्ट में वो व्यक्ति यहाँ के इस संसार में रहले स्वर्गवास भ गए आब ओकरा जैसे पशुपति आर्य घाट में ले जाए खातिर जैसे एक एम्बुलेंस के भाड़ा नहीं छे वो कफन किनते कफन तक के पैसा नहीं छे आ समाज देखियो अरबों खरब व्यक्ति सबके पास में पैसा छे लेकिन कोई व्यक्ति जैसा कफन किन के अवस्था में नहीं छे वो व्यक्ति के टारगेट करके जैसे नेपाल वैश्य युवा संघ अच्छा कुछ निर्माण करते हैं यहाँ के आई समाज के व्यक्ति जो होनहार से बच्चा सब जे यहाँ के जैसे 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 50,000, 25,000 खातिर जैसे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकल छे यहाँ के वो बच्चा के जैसे जेहनदार विद्यार्थी से समाज के लगानी करते और विभिन्न माध्यम से विभिन्न डोनर सब खोज के इस समाज के जैसे बच्चा सब उच्च शिक्षा के लगे हम आगे बढ़ाबे तेन ही अपने के जनकपुर धाम में हमरा सब नेपाल वैश्य युवा संघ के मदद में एक वैश्य कन्या छात्रावास स्थापना कर रहा है बहुत जल्दी अपने के जैसे एक वर्ष के भीतर में एठाम वैश्य कन्या छात्रावास स्थापना होते एक खातिर वैश्य कन्या छात्रावास मतलब हमरा के भेले जे ग्रामीण सेक्टर में जैसे प्लस टू लेवल के तो सब गांव में स्कूल छ यहाँ के उच्च शिक्षा हासिल करे खातिर यहाँ के गार्जियन या तो बद्धता से नहीं रख सके छे या तो
आर्थिक अवस्था कारण से नहीं रख सकै छै और विभिन्न कारण से भी नहीं रख सकै छै तो ओ चीज के लेल जे छै आप शुरुआत कर ली जनकपुर से तो जनकपुर के जे बौद्धिक व्यक्ति सब छै यहाँ के जे विभिन्न एंगल से सामाजिक सेक्टर में काज करे चाहे छै ओ व्यक्ति के जे छै अभिभावकत्व में रह के जे छै गार्जियनशिप में रह के जे छै एकठाम ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ के निःशुल्क बच्चा के हमरा के शिक्षा दिल जा रहा छी और समाज के जैसे सुरक्षा भीतर में रह के ओहिठाम समाज के कमती में बेटी सब चेली सब शिक्षा में अगाड़ी पढ़ो और ढुक के साथ गार्जियन रह के हमारे बच्चा सब फलना बैसे केना छात्रावास में छे और छात्रावास में पूर्णतः यहाँ के जैसे जिम्मेवारी सुरक्षा सहित एकटा फील करे इस चीज के माध्यम से वैश्य समुदाय के लड़की सब मात्र पढ़ सके कि लेडीज अभी तो हमारे वैश्य समाज के लेडीज सब के टारगेट कर ली लेकिन आवला दिन में समग्र में मधेशी समग्र में सब समाज के हमारे अपन करबे कार्यक्रम के अंत से किसे समय बाकी छे अपने सबके जे संगठित होबे के एकटा एखन कार्यक्रम सब भ रहल छे अभियान जे अपने सब चलेने छी तराई मधेश में विशेष केन्द्रित छी तराई के जिला सब में अपने सब विभिन्न चरण में कार्यक्रम सब के लिए अगाड़ी बढ़ रहा छे राजनीति केकरो नहीं छोड़े छे कहाँ तो अंत में कनिक हम टच करा चाहब अपने सब से हो कार्यक्रम करते रहे कहो गगन थापा के बजबे छे कहो मधेशी दल के युवा नेता सब के बजबे रहे छे केना बैलेंस करे छे क्या तो कोनो भी गतिविधि के आजकल राजनीति से जुड़ के देखे छे लोग एकरा सब के केना के बैलेंस करे छे अपने सब प्रश्न अपने का स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति राजनीति से कतनो को तो जोड़ल है लेकिन नेपाल वैश्य नेपाल वैश्य युवा संघ 30 जाति से संचालित संस्था है 30 जाति भीतर के समाज से संचालित नेपाल वैश्य युवा संघ संगठन है और रहले हर एक कार्यक्रम में हमरा सब यह जाने छी जब तक इ देश के संचालक सब जे राज्य के पोटेंशियल व्यक्ति सब छै यहाँ के ओकर कान में इ जे छै वैश्य समाज के बारे में नहीं जेतै तो ऊ जे छै अपन लेवल में अपन ठाव में जैसे अगर लागे पॉलिसी नहीं बनाते ते खातिर हमरा के ध्यान रहे छे कि राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति सब गगन थापा के नाम ले ली हम माधव कुमार नेपाल के एक बार चीफ मिनिस्टर बनाने रहे वैश्य समाज के बारे में जे समस्या सब है जे हमारे एजेंडा सब से हमको कह ली जे टाइम में वो प्रधानमंत्री से भक्कर अपने के जैसे हट ले रहे उनको बजा ली हमारे अभी कार्यक्रम एक नंबर प्रदेश में करल जा रहा है प्रचंड अपने के आबि रहा है यहाँ के तकर बाद देश के मध्यस्थवादी के हर एक नेता के हमारे बजा ली वैश्य समाज इस समाज है अपने जे यो समाज पर ध्यान दियो कोनो जातिवाद में केंद्रित नहीं रहकर अपने से वैश्य समाज के एक मध्यस्थ के अंग मानू महत्वपूर्ण फैक्टर मानू ये चीज के लिए हमारे उनको सबके बजा के कार्यक्रम में ससम्मान बजा के जैसे अपन बात विचार एजेंडा रखे और हुनका सब हमारे प्रतिक्रिया के अपेक्षा करे और उ सब प्रतिक्रियात्मक रूप में जैसे हमरा के जैसे वैश्य समाज के कोनो अवहेलना अवहेली और जैसे पहचान न मतलब मिले वाला गप में सब सहमत भ रहा है ते खातिर उनको सब बजाना हमरा के एक कर्तव्य कोनो पार्टी विशेष के संगठन नहीं अपना ऊपर प्रश्न तिरखार होत है जे अपना तो फलना पार्टी के आदमी छी ओकरा केना बैलेंस करै छी ओकरा केना समझाबै छी देखो काल जाके संगठन के अपने अपन पार्टी संगे जोड़ लेबै कि फायदा लो लेबे की से कहत हैत अपने नेपाल वैश्य युवा संघ में भ सके छी हम कोनो पार्टी निकट हेबे लेकिन हमर केंद्रीय कार्य समिति के 17 जना कार्य समिति के मेंबर में सब व्यक्ति सब पार्टी से जुड़ल है ते खातिर हमरा अभी तक कोनो पार्टी में ई संगठन के जैसे नजीक राखे कोनो से दूर राखे से वाला अपने यहाँ के तो हम कोनो पार्टी के मेंबर भ सके छी लेकिन संगठन यहाँ के कोनो पार्टी के मेंबर नहीं होते ते खातिर इस चीज के लिए अपने सब ढुक रहू और विश्वास दिलावे चाहे छी एमे कोनो पार्टी के दाग लागल नहीं देबे ई यहाँ के निस्वार्थ और जैसे सामाजिक संगठन और वैश्य समाज के 30 जाति के युवा संघ के विशुद्ध सामाजिक संगठन है कार्यक्रम के अंत दिस छी अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आ नया वर्ष 2076 विक्रम संवत 2076 के बहुत बहुत शुभकामना अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जे वैश्य समाज के बारे में हमरा अपने अपन टीवी मार्फत अपने के माध्यम मार्फत जे वैश्य समाज के जैसे भरकर राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय वस्तु सब जनता के माझ समाज के माझ समग्र मधेशी समाज नेपाली समाज के माझ जे पुगावे खातिर जे का माध्यम दिलिए सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमरा सबक अतिथि छलखिन दिलीप चंद साहू नेपाल राष्ट्रीय वैश्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष छथिन हिनका संगे बात भेल युवा के संगठित करे के विषय में हिनका सबके जे 30
जात सबसे वैश्य समुदाय भीतर के तो 30 जात के युवा सब के सब संगठित कर रहा है विभिन्न अभियान सब चलौने उद्देश्य सब रखने यावत विषय में बातचीत भेल हिनका सबके पर्सा के वीरगंज में राष्ट्रीय सम्मेलन से किछुए दिन पूर्व सम्पन्न भेल रहन ओहि विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम के अंत दिस छी अपने सबके फेर से विक्रम संवत 2076 साल के हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित एखन के लिए कार्यक्रम से आज्ञा चाहब। नमस्कार।